हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक्सट्रीमली सॉरी, पिछले 2 दिन से व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी एक बहुत छोटा व्लॉग होने वाला है जो कि मेरे सस्पेंशन सेटअप के बारे में होने वाला है। बहुत दिन से मेरा इसका कुछ प्लानिंग था। तो आज संडे है, बाइक भी वॉश करानी है। मैं अभी जाने वाला हूँ सस्पेंशन एडजस्ट करने के लिए। तो आई होप मुझे वहाँ पर रिकॉर्ड करने मिले और उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि एक्चुअल एडजस्टमेंट्स के बाद मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा है। सो गाइस ये रहा मेरा सस्पेंशन का सेटअप। ये है सेकेंड लास्ट हुक में। तो अगर आप देख सकते हो ये सेकेंड लास्ट लॉक में है। तो इससे पहले थर्ड लास्ट में था जो कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन में पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। और उसके हिसाब से अभी ये जो यहाँ में जो गैप है वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। मैं थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये गैप थोड़ा कम हो चुका है। अगर मुझे अभी तक नॉलेज नहीं है, मैं देखने वाला हूँ। मेरे पीछे अगर किसी फ्रेंड को बिठाऊँगा एंड लेट्स सी। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद से बड़ा गड्ढा लेने के बाद ये पीस यहाँ पे टच हो सकता है या फिर ये पीस यहाँ पे नहीं, पर ये यहाँ पे टच होने का चांसेस नहीं है, पर ये जनरली यहाँ पे टच होने के मेजर चांसेस है। सो लेट्स सी, अगर ये ऐसा कुछ होने लग गया तो फिर मुझे वापस इसको पुराना एडजस्टमेंट्स में डालना पड़ेगा। बट ओवरऑल जबकि मैं इस सस्पेंशन सेटअप के ऊपर बाइक चला रहा हूँ तो हैंडल जो है वो काफ़ी मुझे हाइट लग रहा है। तो अभी एक्चुअल बाइक पर बैठने के बाद पता चल रहा है कि मेरे जो पैर है वो काफ़ी कंफर्टेबली नीचे टच हो रहे हैं। और एक चीज़ है कि पैर पहले ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहने के, अभी ये एक सेटअप के बाद मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि मैं FZ के ऊपर बैठा हूँ। तो एक थोड़ा सा वो डिफरेंस है। अगर आपकी हाइट की वजह से अगर आपको तकलीफ होती होगी तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और एक चीज़, हैंडल बार जो है वो थोड़ा बहुत हाइटेड लगने की वजह से आई थिंक मैं इसे अपनी अगली राइड के ऊपर यूटिलाइज़ करूँगा। देखूँगा ये कैसे लग रहा है। अगर मुझे लगता है कि मेरे रिस्ट पे या फिर शोल्डर पे, आर्म्स पे प्रेशर नहीं आता होगा तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी काम कर जाएगी। एंड ओवरऑल ये सेटअप में मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा। सो गाइस ये था एक छोटा सा रिकॉर्डिंग जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि सस्पेंशन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने हाइट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने जो आर्म्स और होते हैं, कोई क्योंकि हाथ बहुत छोटे होते हैं या फिर किसी की अपर बॉडी लंबी होने की वजह से उन्हें झुकना पड़ता है, तो उनके हिसाब से उन्हें अपने सस्पेंशन को एडजस्ट करना चाहिए। जबकि मेरे पैर पहले एकदम स्ट्रेट नीचे टच होते थे, मतलब कभी मुझे आधा पैर कभी बाइक चलानी पड़ी, पर मेरा हाइट होने की वजह से मैं प्रॉपरली टच करके चला पाता हूँ। पर अभी क्या होता है, पैर थोड़ा सा बेंड हो रहा है। सिर्फ इनकेस अगर कोई टफ सिचुएशन हो या फिर मुझे बहुत पावर यूज करनी होगी तो वो मेरे लिए फायदा होगा। और एक चीज है कि मेरी सीट हाइट अभी नॉर्मल मेरी बाइक की जो सीट हाइट है शायद से वो 810 mm है, पर उसके हिसाब से मेरी सीट हाइट थोड़ी सी कम होने की वजह से अब क्या हो रहा है, जबकि मैं हैंडल पकड़ता हूं तो पहले हैंडल के लिए मुझे थोड़ा सा शायद से झुकना पड़ता था। आई थिंक इट्स गोना बी माय माइंड गेम। अगर मैं देखता हूं तो अभी मुझे थोड़ा बैठते वक्त मुझे सीधा लग रहा है, मेरी बैक ज्यादा बेंड नहीं हो रही। ऊपर से और एक मैं वीडियो में आपके लिए बनाने वाला हूँ जिसमें आपको अलग अलग तरीके के मैं होल्ड्स दिखाऊंगा जिसके ऊपर आप आपकी बाइक चलाते हो। सो अपना कोई अलग अलग तरीके के होल्ड्स होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, टूरिंग के लिए होते हैं, या फिर कोई क्रूजिंग के लिए होल्ड्स होते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज है गाइस कि इस एडजस्टमेंट को करते वक्त मैं व्लॉग नहीं कर पाया, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने अपनी बाइक को लिफ्ट किया था एक हाथ में, तो एक्चुअल वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। एंड एकदम इजी है, ऐसे लिफ्ट करना है आपको। देखो जमीन पे रख के आप उस सस्पेंशन के जो साइड में जो आटे होते हैं उसे ठोक के कोशिश करोगे तो शायद से ज्यादा प्रेशर की वजह से वो इजीली होगा नहीं। तो आपको बस एक हाथ से बाइक लिफ्ट करना है, साइड स्टैंड के ऊपर रख के। जब भी आपका पीछे का टायर हवा में होता है तो एक फ्री स्विंग होने की वजह से आप इजीली उसके ठोकने के बाद उसमें शिफ्ट चेंजेस हो सकते हैं। पर मेरा एक ही कहना है गाइस, धीरे धीरे करके सस्पेंशन एडजस्ट करो। अगर आप 4th लेवल पे हो, सीधा 1st लेवल पे आने की कोशिश मत करो, या फिर 1st लेवल से सीधा 4th लेवल पे जाने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे जाओ, 1st लेवल पे हो, 3rd पे आओ, 3rd पे आपको कंफर्टेबल लगता है ठीक है, नहीं लगता है 2nd पे आओ, 2nd पे कंफर्टेबल लगता है तो 1st पे आओ या फिर उधर ही रहो, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। मैं एकदम कम नहीं कर रहा हूं कि मेरा वेट ऑलमोस्ट 84 है, उसके हिसाब से अगर मेरे पीछे अगर कोई ऑलमोस्ट 70-80 किलो वाला बंदा कोई बैठता है तो शायद से, जैसे मैंने बताया, अगर हम लोग दोनों बैठने के बाद लिटरली वो पीछे का जो रिफ्लेक्टर का जो छोटा सा पट्टी रहता है शायद से मेरे टायर को टच हो सकता है, आई मीन मेरे टायर हगर को टच हो सकता है, जो कि मेरे बाइक को भी डैमेज कर सकता है, और जो ऑफकोर्स एक अच्छी चीज नहीं है यार, कम ऑन, इसको कौन पसंद करेगा। सो थैंक यू सो मच भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इतने सब्सक्राइबर्स बन गए, अब इतना अच्छा लग रहा है, सच में एक बड़ा सा मीटअप करने का मन हो रहा है तुम लोग के साथ। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन सच में तुम लोग सब लोग को मैं खुद मिलने आऊंगा, मतलब लिटरली अपने अपनी जगह बताओ, मैं बंदा आपको मिलने के लिए राइड करूंगा, क्योंकि पता नहीं मेरा कभी सोचा नहीं था इतना कोई मुझे सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, मैं अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, मुझे वहां पे फॉलो करो। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो पहले आपको मेरी इंस्टा स्टोरी से सारा चीज पता चलने वाला है कि कल का वीडियो कौन सा होने वाला है, परसों का वीडियो कौन सा वाला है, एंड सो ऑन। वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको आंसर देने, क्योंकि जनरली आते हैं डीएम, बट देन जो जितना मेरा नॉलेज है मैं आंसर करता हूँ। सो गाइस इस ब्लॉग को यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में जो कि होने वाला है, अगला ब्लॉग क्या था एक्चुअली, हाँ अगला ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो शायद से मैं उसे कल अपलोड करूंगा, तो वो ब्लॉग भी देख लेना क्योंकि वो ब्लॉग में कुछ आवाज के बारे में है। So that's it for now guys, me Sarvesh Breed signing out, I'll see you in my next vlog, ciao.